तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हमारे सामने खड़ी है गाइस ग्रैंड i10 नियोस, और ये मैग्ना वेरिएंट है। तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी में ये भी एक वेरिएंट गाड़ी आती है गाइस, और 1.2 VT कापा पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। तो आज इसके डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ गाइस। बहुत लोगों की फेवरेट पसंद है ये, और काफ़ी अच्छे फीचर इस गाड़ी के अंदर ऑफर कर दिए गए हैं। वैसे ये वेरिएंट गाइस मैग्ना बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट होता है, और एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी का 6 लाख रुपए, और गाइस ऑन रोड आपको 6.70 की पड़ने वाली है। तो अंडर 7 लाख में ये बहुत अच्छी गाड़ी बनेगी। आज इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो ये है गाइस हमारी ग्रैंड i10 नियोस, और मैग्ना वेरिएंट ये है। बहुत ही शानदार लुक्स के साथ ये गाड़ी आती है। बहुत सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस स्टार्टिंग से लेके चलते हैं अपनी गाड़ी की हेडलैम्प से, जहाँ पे आपको नॉर्मल ही बल्ब्स मिलते हैं हाई बीम लो बीम के लिए। हलोजन वाले टर्न इंडिकेटर्स आपको साइड में दे रखी है। थोड़ा सा स्मोकी डिज़ाइन है, थोड़े से ब्लैकआउट ट्रीटमेंट आपको लगेंगे सामने से, बट गाड़ी बहुत ही शानदार है गाइस। और नीचे आपकी i10 नियोस की सिग्नेचर वाली ग्रिल है, जो कि बड़ी शानदार है, जो कि इंटीग्रेटेड DRLs के साथ आती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले, हाउसिंग आपको जरूर छोड़ रखी है, तो डीलर या फिर मार्केट आप लगवा सकते हैं। बाकी स्किड प्लेट में भी सिल्वर का फ्रिज छोड़ रखा है। तो गाइस ये गाड़ी बहुत ही शानदार है, और वाइट ग्लास एरिया के साथ आती है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है गाइस, क्योंकि अभी हम स्टॉक के अंदर खड़े हैं, बट गाड़ी की लुक्स बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पे आपकी लुक्स में ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी काफ़ी अच्छी है, वाइड ग्लास एरिया आपको दे रखा है, तो ये बड़ी शानदार चीज़ है। वाइपर्स आपको दे रखे हैं, और काफ़ी एक मस्कुलर सी लुक देके जाती है। स्टांस बड़ा प्यारा है गाड़ी का, और जैसे आपने देखा गाइस ऑरा को देखा है, तो उसी की आप एक छोटी हैचबैक इसे मान लीजिए। साइड में जाएंगे तो गाइस एग्जैक्ट डिफरेंस मालूम पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टील रिम्स विद द व्हील कैप्स मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको चीज़ मिल जाती है। जहाँ पे टायर साइज के बारे में बात करूँ, तो गाइस आपको यहाँ पे टायर मिलता है R14 165/70 का, जो कि बहुत ही ह्यूज टायर साइज है। R14 का गाइस काफ़ी बढ़िया रहता है, और आपको मुझे नहीं लगता गाइस आफ्टर मार्केट इसको चेंज कराने की जरूरत है। बाकी आपके फेंडर पे टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ORVM आपको बॉडी कलर के अंदर मिलते हैं, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, वाइट ग्लास एरिया है। रूफ रेल्स इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है, बट आपको एंटीना यहाँ पे जरूर प्रोवाइड कर दिया गया है। पीछे भी आप देख सकते हैं ग्रैंड i10 G i10 करके आपको यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। ये भी काफी अच्छा डिजाइन है, ग्लॉसी ब्लैक के अंदर आपको छोड़ रखा है, तो ये काफी बढ़िया चीज लगने वाली है गाड़ी के अंदर। और स्टांस गाड़ी का गाइस काफी बढ़िया, और 6,70,000 रुपए के हिसाब से गाइस काफी सही फीचर इस गाड़ी के अंदर है। जैसे आप डीरेल्स आप सामने देख सकते हैं, व्हील कैप्स मिल रहे हैं, 1.2 4 सिलेंडर इंजन, तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली आपको। और रियर में गाइस स्टांस गाड़ी का बहुत ही सुंदर है, टेल लैंप्स आपको नॉर्मल मिलने वाले हैं, होंडा का लोगो है, नियोस का लोगो है, ग्रैंड i10 की बैजिंग आपको दे रखी है, बहुत ही शानदार है। डिफॉगर्स यहाँ पे मिसिंग मिलने वाले, इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप आपको मिलता है, और इंडियन आप देख सकते हैं ऊपर। बाकी वाइपर आपको नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। रियर पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं, और रिफ्लेक्टर सीट भी आपको प्रोवाइड कर रखी है। नीचे वाला पार्ट ब्लैक की फिनिश के अंदर छोड़ रखा है, काफ़ी शानदार गाड़ी है। और एक बार इसको ओपन करते हैं बूट को, तो नियोस का आप देख सकते हैं आई गेस ब्लू में मिलता है आपको। सो ये है आपका बूट ग्रैंड i10 नियोस का, जहाँ पे पार्सल से आपको नहीं मिलेंगी। कवरिंग बड़ी शानदार है गाड़ी की, फिनिशिंग बहुत अच्छे छोड़ रखे हैं, और पेन सीट मिलती है गाइज, काफ़ी बड़े आपके टूल किट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको नीचे आपको R14 के आई थिंक स्टेपनी मिलेगी, और टूल किट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाती है। कवरिंग बड़ी प्यारी दी गई होंडा गाड़ियों में, R14 का साइज आप देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। इसको चाहे तो स्ट्रैप को पकड़ के आप इसको पूरे बैंड को आप लटा भी सकते हैं, अगर आपको स्पेस को एनहांस करना है तो। बाकी काफ़ी बढ़िया ये गाड़ी लगती है ओवरऑल। और साइड से देखते हैं, जहाँ पे आपकी डोर पे आपकी ग्रे एंड वाइट का थीम छोड़ रखा है, डोर हैंडल्स ब्लैक के अंदर है, काफ़ी लाइट सा डिज़ाइन है, बहुत पसंद आएगा आपको। और डिज़ाइन आपको यहाँ भी दे रखा है, काफ़ी बढ़िया सा मेरे के कंट्रोल्स हैं। स्पीकर आपको मिल जाते हैं ऑल फोर, आपको यहाँ वोल्टर का स्पेस है, और गाइस ऑरा की तरह ही आपके यहाँ पे वाइट थीम आपको फैब्रिक पे मिलने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया है। आमरेस आपको नहीं मिलेगा, और गाइस गाड़ी में सीट कवर थोड़े से गंदे हो सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट आप चाहें तो उसको अंडर एड ऑन करा सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा लेगरूम है गाड़ी के अंदर, और ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो गाइस पीछे से ये पार्ट लेदर के अंदर यहाँ पे छोड़ रखा है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। बाकी आगे से तो आपको फैब्रिक ही मिलेगा, बट ये रेक्सिन या आई थिंक लेदर वाला फिनिश है, बट बहुत प्रीमियम लग रहा है पीछे टच करने में। बाकी को पैसेंजर सीट में आपको पीछे पॉकेट स्पेस दे रखा है, 2 AC वेंट्स हैं, 12V का सॉकेट दे रखा है, और गाइस गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। पीछे से लुक आपकी ऐसी कुछ नजर आती है मैग्ना की, बीच में कैबिन लैंप आपको दे रखा है। और अंदर जाने से पहले गाइस हमेशा की तरह हम अपनी की से बात करते हैं। लॉक अनलॉक बटन है, बूट अनलॉक बटन है, काफ़ी बढ़िया जैक नाइफ वाली की दे रखी है। सेकेंडरी की आपको नॉर्मल ही मिलने वाली है मैग्ना के अंदर, और डोर काफ़ी बढ़िया है, जहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करूँ तो लाइट ग्रे और वाइट का थीम काफ़ी शानदार लगता है डोर पे। ये मुझे काफ़ी लाइट लग रहा है और बहुत पसंद सा आ रहा है कलर। और ब्लैक डोर हैंडल्स है, ऑल फोर पावर विंडोज है, ड्राइवर साइड सिंगल टच डाउन है, ORVM एडजस्टर है, और लॉक अनलॉक बटन है मिरर को कंट्रोल करने के लिए, बोर्ड का स्पेस काफ़ी बढ़िया, स्पीकर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलने वाली है, जहाँ पे हेडरेस्ट यहाँ पे आपको फिक्स ही मिलेगा गाइस, बट बहुत अच्छी सीटिंग है, बोल्स्टर्ड सीट है, और हाइट एडजस्ट का फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है इसके अंदर, टिल्ट का फंक्शन मिलने वाला है। बाकी गाड़ी काफ़ी शानदार है, और ओवरऑल इसकी फील तो है गाइस। इसी वेंट्स पे सिल्वर का फिनिश यहाँ पे छोड़ रखा है, हेडलैम्प लेवरेज कंट्रोल्स दे रखे हैं, और ये थीम बड़ी अच्छी लग रही है गाइस मुझे। तो यहाँ पे एक बारी की लगाता हूँ गाइस मैं अपनी की फॉब में, तो यहाँ पे जैसे लगाया तो वेलकम साउंड आपको मिलती है, और सिस्टम आपका ओपन हो चुका है, जहाँ
यहाँ पे स्टेयरिंग काफ़ी बढ़िया है, लाइट ग्रे कलर के अंदर ही मिलेगा यहाँ पे आपको। तो डोर को एक बार क्लोज करते हैं। सो जैसे हमने डोर को क्लोज किया तो ये बेल भी बंद हो जाती है। आयर वीएम आपको सिंपल ही मिलने वाला है यहाँ पे आपको। वाइजर्स पे ग्लास है और यहाँ पे वाइजर में टिकट होल्डर आपको दे रखा है। तो काफ़ी सही फिनिश है गाइस, मतलब मुझे इसके टचेज और जो ओवरऑल फिटेड फिनिश है गाइस वो होंडा के बहुत पसंद आते हैं। मतलब फीचर्स गाड़ी में काफ़ी सारे मिलते हैं और लुक्स पे भी काफ़ी ध्यान देती है होंडा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे स्टेयरिंग गाइस आपको लेदर अप नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि ये लाइट जो शेड है इसकी ये वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। स्टेयरिंग माउंटेड में कंट्रोल्स दे रखे हैं आपको, मल्टीमीटेड कंट्रोल्स भी मिलेंगे। बीच में सिल्वर की फिनिश छोड़ रखी है। यहाँ से अपने स्कीफ आपको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो डिस्प्लेज आपके ऐसे कुछ ओपन होते हैं। सो ये लाइट आपके ओपन हो गई है। व्हाइट वाली थीम रहती है स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों के अंदर। और फ्यूल के कंट्रोल्स आपको डिजिटल वाले मिलने वाले हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी है और कितनी गाड़ी चल सकती है वो आपको मिल रहा है। वार्निंग साइंस आपको नीचे ही दे रखे, तो काफ़ी बढ़िया थीम है। बाकी इसको ओपन करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं हेडलैम्प के आपको कंट्रोल नजर आ जाएंगे। तो काफ़ी शानदार सी लुक है गाइस। और ब्लू के थीम्स आपके एसी जो कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर रहते हैं। काफ़ी बढ़िया शानदार सी चीज़ें यहाँ पे थीम यूज़ कर रखी है गाइस। प्रीमियम सिल्वर फिनिश है और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन छोड़ रखा है। यहाँ भी बहुत सारा स्पेस है आपको कोपैसेंजर एरिया में। यहाँ पे कोपैसेंजर आपकी ग्लोव बॉक्स में काफ़ी सारा स्पेस है और ऊपर वाला पार्ट हार्ड के अंदर है डेस्पाइट बीइंग, बट बहुत सुंदर लग रहा है। और गाड़ी ओवरऑल मुझे फील इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। डायल्स तो खैर गाइस अपने सेंटर में देखा वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी यूएसबी की स्पेसिंग आपको यहाँ दे रखी है, 12 का सॉकेट दे रखा है। बहुत सारा स्पेस आप यहाँ सामान रख सकते हैं। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, 1.2 लीटर इंजन के साथ 2 कभी होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक लीवर है। और बहुत ही शानदार सा इसका ओवरऑल अरोमा है इस गाड़ी का। मुझे तो गाइस बैठ के बड़ा मजा आता है होंडा की गाड़ियों में। और यहाँ पे आपका अगर एडजस्ट करना है तो स्टीयरिंग को, तो आई थिंक यहाँ पे टिल्ट के लिए ही आप कर सकते हैं, तो टिल्ट के लिए ही हो जाएगा और रीच के लिए नहीं मिलेगा। बट ठीक है गाइज, इस गाड़ी के रेट के हिसाब से काफ़ी शानदार चीज़ है। और गाइज 4 स्पीकर ब्लूटूथ सिस्टम में आपको मिल रहा है, इसके टचेस काफ़ी अच्छे हैं और इसको आप चलाएंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी अर्गोनॉमिक्स वाइज गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगती है गाइज। गियर बॉक्स आपका यहाँ मिल जाता है, तो काफ़ी सही चीज़ें इस गाड़ी के अंदर है। और सो जी, गर्मी का मज़ा लेते हुए हम अपनी गाड़ी को इन्जॉय कर रहे हैं। और अभी मैंने इसकी हेडलैम्प्स ऑन कर दिए, तो आप देख सकते हैं DRL भी कितने शानदार लग रहे हैं इसके अंदर। तो गाइज़ ये गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊं। और हर लुक से गाड़ी आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बढ़िया लग रही है। 6,70,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है और 1.24 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही है। तो गाइज़ काफ़ी इकोनॉमिकल सेफ ऑप्शन और बहुत ही पैसे बचाएगा आपके। और अगर आपको कोई पेट्रोल गाड़ी चाहिए इस रेंज में तो ये एक सबसे सुटेबल ऑप्शन आपके लिए बनता है। सो कैसी लगी वीडियो गाइज़ मुझे बताना, कुछ जानना इसके रिलेटेड तो कॉमेंट में लिख दीजिएगा। आज के लिए गाइज़ मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।